बिना देरी किए हुए वो हमारे रिम्स अस्पताल में आए और मुझे लगता है कि जो गति यहाँ के डॉक्टरों ने दिखाई है उसका परिणाम आपको थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाएगा। हालांकि मैं अभी तो मिल के आ ही रहा हूँ और बिल्कुल अब स्वास्थ्य उनका तेज़ी से सुधरेगा और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि ये जल्दी से पहले की तरह ठीक हों। उनका जो भी उपचार होना था वो अभी हो चुका है। सर डॉक्टर से बातचीत हुई होगी आपकी? सर हाँ, उनसे बात हुई है डॉक्टर से। बिल्कुल अभी ठीक हैं, अभी थोड़ी देर अभी उनको आराम करने की सलाह है, उसके बाद नॉर्मल सिचुएशन में। सर कोरोना को लेकर आपके द्वारा जो कदम उठाए गए उसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन और भी मजदूर हैं वो भी निगाह से देख रहे हैं कि कब उनके लिए बुलावा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले भी कह चुके हैं कि जो आना चाहें उनका स्वागत है और बिल्कुल आपके माध्यम से सब लोगों को यही पुनः संदेश है, चलो घर की ओर लौटो। सर आपको कैसे जानकारी मिली दीपा प्रकाश जी के साथ जो हुआ, कैसे कहाँ थे आप, कैसे भागे वहाँ से आप? मैं दिनचर्या जो कार्यक्रम था उसमें मैं था और मैं जैसे ही अपने ऑफिस में आया मुझे ये जानकारी मिली। अभी एक इंटरव्यू भी था हमारा, ऑनलाइन इंटरव्यू था एक वरिष्ठ पत्रकार जी के साथ, वो मुझे अचानक रद्द करना पड़ा, थोड़ा डिले करना पड़ा। हमने कहा कि मैं पहले इनको देख आता हूँ उसके बाद आगे काम किया जाए। सर रिम्स पर ही भरोसा बढ़ा है लोगों का, जैसे ही दीपा प्रकाश जी आए आप आए हिदायत दी डॉक्टरों को? अरे आज के दिन में ये गौरव की बात है, आज पूरा देश जिस संस्था पर हमेशा उंगली उठाता रहा है, हमेशा आलोचना करता रहा है सरकारी अस्पतालों का, और आज आप देख लीजिए कि सरकारी अस्पताल के जिम्मे ही पूरा देश खड़ा है।